लालच के लिए आप शूट कर रहे हैं, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? प्रीटी गुड यार, आई एम प्रीटी रिलैक्स इन दिस शो राइट नाउ बिकॉज़ यहाँ मेरा काम थोड़ा ठंडा है कंपेयर टू अनेरी, बट मजा बहुत आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. इट्स अ रोमांटिक हॉरर स्टोरी, सो मजा आएगा. अभी मेन हॉरर सीन तो अभी शूट कर रहे हैं, अभी तक तो मैं रोमांस ही कर रहा था. थोड़ा बहुत रोमांस है हमारा, थोड़े बहुत रेगुलर सीन्स थे, वो सब अच्छा हुआ, वो सब मजा आया अनेरी सब करने में. बट हाँ, अभी जो भूत का काम कर रहे हैं उसमें मजा आएगा. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस एंड या इट्स गोना बी फन. ओके, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस एपिसोड? आई थिंक द यूएसपी ऑफ दिस एपिसोड इज के पीपल लव अनेरी एंड सम लव मी टू. So I guess they'll be happy to see us together and because हमें ही बड़ा मजा आया नीरज मुझे काम करके साथ में, और हमारी chemistry भी is not looking that bad हमारे हिसाब से. And of course दोनों का तो भूत भूत आएगा, तो वो तो देखने को मिला ही नहीं. आई थिंक अनेरी का भी फर्स्ट टाइम ऐसा भूत भूत है, मेरे का भी फर्स्ट टाइम ऐसा भूत भूत है. तो जो हमारे शो देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनको मजा आएगा देखने में जब हमारे अंदर भूत आता है तो क्या होता है, हमें भी देखना है कि क्या होता है. तो आई थिंक दैट्स द यूएसपी. ओके, अनेरी सच अ फन लविंग पर्सन, वी ऑल नो दैट. तो बिहाइंड द सीन्स कभी भूत वगैरह जो बातें होती है ऐसा कुछ, मतलब आप लोग मस्ती मजाक करते हो पीछे? नहीं, वो बातें नहीं करते, बट हाँ वैसे हम बहुत चिल करते हैं, वैसे हम फुल ऑन बातें बातें करते हैं. वो अपनी वैनिटी में जाती नहीं हूँ, या तो यहाँ है कि अगर मैं हूँ तो मैं उसकी वैनिटी में जाऊँ, हम लोग बैठ के चिल करते हैं एंड काफी कुछ खाने को लाती है, तो मजा आता है. तो मेरा तो मकसद वही है वैनिटी में जाने का, मेरे को वैसे बोरिंग लगती है, नहीं मजाक कर रहा. सो ऑब्वियसली वो बहुत बहुत फन लविंग है, बहुत मस्ती मारती है, और मैं उसको काफी टाइम से जानता हूँ. बीच में थोड़ा हमारा ब्रेक आ गया था क्योंकि शी वॉज pretty busy with Behad, I was busy with Sobhiman, but I'm glad thanks to Lalish main wapas aapne milwa diya and bas chalta rahega. Okay, any final words to the audience watching you? I think all I'm gonna say that this is something different I'm trying and it's a new couple, so first time as a couple ban raha hai, just see if you like it. I think you like it because you can be like working together and बस यार थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. बस इसमें भी ऐसे ही प्यार देखे देखो, एंड होपफुली आपको आई थिंक जस्ट फिंगर्स क्रॉस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे. अच्छा, लास्टली अगर आपको आपके फैंस के लिए कुछ थोड़ा सा हिंट देना हो, कुछ और थोड़ा बताना हो शो के बारे में, तो आप क्या कहेंगे इस शो के बारे में? या इस शो के बारे में तो कुछ खास और है नहीं. इट्स प्रीटी क्लियर दैट इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी, सो देयर इज अ लिटिल रोमांस. ज्यादा एक घंटे का एपिसोड है ना, तो ज्यादा रोमांस हो नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली मैं भूत दिखाना है. बट हाँ, जस्ट होप, लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हॉरर सीन.